क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 126 रुपए पर केजी वाली चाय और 135 रुपए पर केजी वाली चाय को एक तीसरी किस्म वाली चाय के साथ एक एक और दो के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए पर केजी है तो तीसरी किस्म की चाय का मूल्य ज्ञात करो। देखो, तीन तरह की चाय दी गई है जिनका रेशो एक एक और दो के अनुपात में दिया गया है, और पहली दो चाय का रेट दिया है 126 रुपए पर केजी और 135 रुपए पर केजी। तो देखो, तीनों चाय का रेशो हम लिख रहे हैं एक अनुपात दो। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली चाय का रेट है 126 रुपए पर केजी, तो यहां पर हम लिखेंगे पहली चाय जो है 126 रुपए पर केजी है और इसके बाद दूसरी चाय 135 रुपए पर केजी है, और हमें निकालना है तीसरी चाय का रेट कितने रुपए पर केजी होगा। अब देखिए, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन हल किया जाएगा। जब यहां पर रेट पर केजी के हिसाब से है तो एक रेशो दो रेशो ये जो दिया गया है चाय का भार दिया गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ 1 किलो ये चाय होगी और 1 किलो ये 135 वाली और 2 किलो ये चाय होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरा टोटल मिश्रण हो गया हमारा 4 केजी, 1, 1, 2 और 2 4 केजी। तो 4 केजी को पर 153 रुपए केजी के हिसाब से हमने उसको मिला लिया। तो देखिए, यहां पर हम इसको हल करेंगे। यदि हम उसको बेचना चाहे 153 रुपए पर के जिसके हिसाब से, तो हम कितने रुपए में बेच सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। 4 × 12 = 1 15 × 60 = 61, यानी कि 612 रुपए का 4 किलो मिश्रण बन जाएगा बेचते वक्त। और हम देखते हैं कि हमने खरीदा कितने में, 1 किलो 126 में, 1 किलो 135 में, बट ये 2 किलो का हमें रेट नहीं मालूम है, तो इसमें हमें पर केजी का रेट हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं 4 किलो का टोटल हो गया 612, 612 में से हम यहाँ 2 किलो का रेट इसमें से घटा देंगे। 126 और 135 कितना हो गया देख लीजिए आप, 126 + 135 इनको जोड़ लेंगे, 6 × 5 = 11 + 1 = 3 + 5 = 6 = 2, 261 रुपए बैठता है, इसमें से 261 रुपए हम घटा लेंगे। इस प्रकार हमें मालूम हो जाएगा कि 2 केजी का जो रेट है वो कितना होता है। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 11 में से 2 लेंगे, 11 में से 6 घटाएंगे 5 और 5 में से 2 घटाएंगे 3, 351 रुपए 2 केजी का रेट है। 2 से इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 किलो चाय का रेट मालूम हो जाएगा। देखो, भाग कर रहे हैं, 2 × 2 = 1 15, 2 × 7 = 14, 1 × 11 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, तो हम कह सकते हैं 175 रुपए 50 पैसे पर केजी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 175 रुपए 50 पैसे पर केजी, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बर्तन में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। देखिए, एक बर्तन है जिसमें दो तरह के द्रव भरे हुए हैं, द्रव ए और द्रव बी, दोनों में मिश्रणों का अनुपात 7:5 दिया गया है। जब 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है, देखो दोनों में से 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है और द्रव बी से उसे भरा जाता है, तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। देखो, 7:9 हो जाता है, कब होता है ये 7:9, जब इसमें से 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है। तो निकाले गए मिश्रण की मात्रा हमें मिली है 9 लीटर, हम इसको इधर लिखेंगे और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करेंगे, और इसमें द्रव बी भरा जाता है। तो देखो, द्रव बी के भरने से द्रव बी में परिवर्तन होगा, द्रव ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कितना
अनुपात का परिवर्तन हुआ है, 5 से 9 हो गया, तो यानी 4 रेशो यहां पर बढ़ा है। कब बढ़ा है ये? जब द्रव बी का मिश्रण इसमें डाला है। देखो द्रव ए के मिश्रण का जो रेशो है वो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें केवल द्रव बी का मिश्रण डाला है, तो द्रव बी के मिश्रण में ही परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन हमें मालूम हो गया, 5 से 9, 4 बढ़ गया। और टोटल कितना मिश्रण पर, इसके रेशो को जोड़ लेंगे, 9 और 7 16। 16 पर 4 का परिवर्तन हुआ है। अब यहां से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, 4 चौक 16 और ब्रज गुणा करेंगे, 4 9 36। तो यहां से हमें पूरे दोनों तरह के द्रव का टोटल भार हमें मालूम हो गया है, ए और बी की टोटल मात्रा 36 किलोग्राम। तो अब हम 36 किलोग्राम न लिख के यहां पर लीटर दिया है, तो 36 लीटर लिख लेंगे यहां पर। अब देखिए टोटल द्रव की मात्रा ए बी की 36 लीटर है, और इसमें हमारे दोनों की टोटल मात्रा 7 और 5 12 है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये आरंभिक दोनों के द्रव की मात्रा का मालूम हुआ है 36 लीटर, तो हमारा अनुपात हो गया 7 5 12, 12 3 36। अब 3 का मल्टी हम पहले द्रव के अनुपात में करेंगे, 3 7 21, तो हमारा द्रव ए में मिश्रण की जो मात्रा थी 21 लीटर। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है आपके सामने। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 है, किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 प्राप्त हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल किया जाएगा, एलिगेशन मेथड से। देखो दूध की मात्रा का अनुपात 3 है, पानी का 2 है, तो दूध की मदद से क्वेश्चन को हल करेंगे, 3 और बटे टोटल मात्रा होगी मिश्रण की 3 2 5। इसी प्रकार यहां पर दूध की मात्रा का अनुपात 7 है और टोटल मिश्रण की मात्रा होगी 7 3 10। और किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। दूध की 2 हो गई और टोटल मिश्रण की मात्रा 2 और 1 3। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखो एलिगेशन मेथड से आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे, यानी कि आमने सामने का अंतर यहां पर लिखेंगे और इधर आमने सामने का अंतर यहां पर लिखेंगे, और जैसे ही हम इनका अंतर हम ज्ञात करेंगे वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो 3 9 30 एलसीएम ले लेंगे 30। अब 3 की गुणा 7 में करेंगे, 3 7 21 ऐसे लिखेंगे, और 10 2 20 दोनों का अंतर हो जाएगा, 21 में से 20 घटाएंगे 1, 1/30 आ गया इनका डिफरेंस। अब इसी प्रकार यहां पर करेंगे, 3 5 कैल्शियम 15 आ गया, और 3 की 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9 और 5 2 10, 10 व 9 का अंतर लिख लेंगे, 10 व 9 का अंतर 1 हो जाएगा, 1/15। अब इसको आसानी से हल करेंगे, देखो 15 2 30, 2 की गुणा इधर करेंगे, 15 2 30, 2 की गुणा इधर और 1 इधर रहेगा, तो 1:2, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त होगा, 1:2। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 1:2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 धातु सोना और तांबे को क्रमशः 7:9 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर ए और बी दो मिश्र धातु बनाया जाता है। यदि बराबर मात्रा में मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है तो तीसरी धातु सी बनाई जाती है, तो सी में सोने तांबे का अनुपात बताना। देखो दोनों धातुओं से एक तीसरी धातु सी बनाई जाती है, उसमें सोने तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, तीसरी धातु सी बनानी है हमें, और सी में हमें सोने तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। देखो सोना इधर आ जाएगा, इन दोनों धातुओं में से सोना सोना इधर लिख लेंगे, तांबा तांबा इधर लिख लेंगे। सोना 7 है और टोटल मिश्रण हो गया 7 2 9, प्लस दूसरी धातु में से ले लेंगे सोना 7, टोटल मिश्रण 11 7 18, अनुपात। इसी प्रकार हम दोनों धातु में से तांबा तांबा ले लेंगे, तांबा 2 है और टोटल मिश्रण 2 7 9, प्लस तांबा 11 है और टोटल मिश्रण 18। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे, देखो 9 18 एलसीएम 18 आएगा, यहां भी 9 18 का एलसीएम 18 आएगा,
देखो 18 एलसीएम आएगा यहां पर, 18 एलसीएम, 9 दुनी 18, 2 2 सते 14 आ जाएगा यहाँ, प्लस 18 से 18 कटेगा, एक बच जाएगा, 1 × 7 सात एकम सात आएगा, अनुपात इसी प्रकार यहाँ करेंगे 18 एलसीएम, 9 दुनी 18, 2 दुनी 4, प्लस 18 से 18 कटेगा 11, अब 18 से 18 अनुपातिक रूप में समान संख्याएं हैं, कट जाती है, 14 सात जोड़ेंगे 21, अनुपात 11 चार जोड़ेंगे 15, तो यहाँ पे सी धातु में सोने तांबे का रेशो हमें प्राप्त हो जाएगा, सोने तांबे का 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 7 × 5 का रेशो हमें ज्ञात हो गया है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 7 अनुपात 5, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, तीन प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है, मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताना है। तो देखो बहुत ही सुपर क्वेश्चन, अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल का हो गया हमारा 2 और पानी का 1, तो देखो तीनों मिश्रण से एक हमें मिश्रण बनाना है, चौथा मिश्रण बनाना है हमें, बी मिश्रण बनाना है, तो उसमें हमें अम्ल और पानी का अनुपात बताना है, अम्ल और पानी। तो देखो इनमें से हम तीनों मिश्रणों में से अम्ल इधर ले लेंगे और पानी पानी इधर ले लेंगे, तो इस प्रकार हमें अम्ल और पानी का अनुपात मालूम हो जाएगा। तो पहले में अम्ल 2 है, टोटल मिश्रण हमारा 3 हो गया, दूसरे में अम्ल 2 है, टोटल 5 हो गया, देखो दूसरे में 3 और टोटल 3 × 2 = 5, प्लस तीसरे मिश्रण में 5 है, टोटल 8 हो गया, 5 टोटल 8। देखो इधर हमारा अम्ल अम्ल हो गया, अब इधर हम पानी पानी अकॉर्डिंग लेंगे, पहले में पानी 1 है, टोटल मिश्रण 3, तो 1/3, प्लस दूसरे में पानी 2, टोटल मिश्रण हो गया 5, प्लस तीसरे में पानी 3, टोटल मिश्रण हो गया 8, 3/8, तो इस प्रकार हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे, यहां पर हमारा एलसीएम आता है 120, देखो 8 × 5 = 40 के 120 एलसीएम आता है हमारा। अब हम इस एलसीएम को बारी बारी से डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे 120 को 40 बार, 40 × 2 = 80, प्लस 5 से काटेंगे 24 बार, 24 × 2 = 72, प्लस 8 से इसको काटेंगे 15 × 8 = 120, 15 बार 15 × 5 = 75, और अनुपात का चिन्ह लगाकर इसी प्रकार हम इधर ले लेंगे इनका एलसीएम 120, 3 से काटेंगे 40 एकम 40, प्लस 5 से काटेंगे 24 बार, 24 × 2 = 48, प्लस 15 बार 15 × 3 = 45, और इस प्रकार 120 से 120 कट जाएगा। अब हम इनको ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेंगे और हमारे मिश्रण का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो जोड़ते हैं 5 × 2 = 7, 7 और 7 = 14, 7 × 21 = 22, 227 अनुपात। अब देखते हैं अगर 8 और 5 = 13, 0 = 3, 81 = 4, 4 = 8, 4 = 12, 13, तो 227 अनुपात 133, देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 227 अनुपात 133, 227 अनुपात 133, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दो धातुओं में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 तथा 2:5 है, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में कॉपर और टिन का अनुपात 3:8 हो जाए। तो देखो कॉपर की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 और टोटल मात्रा हो गई हमारी 1 और 3 = 4, इसी प्रकार 2 और टोटल मात्रा हो गई हमारी 5 और 2 = 7, और 3/11 हो गई, 8 × 3 = 11, तो अब इसको हम हल करेंगे एलिगेशन मेथड से। देखो 11 × 77 एलसीएम आ गया, और 11 × 2 = 22, और 3 × 21 = 21 आ गया, इसी प्रकार हम इधर लेंगे इनका एलसीएम,
ग्यारह चौक चवालीस, ग्यारह एकम ग्यारह, चार के बारह, अंतर एक। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे, ग्यारह से कटेगा, ग्यारह सत्ते सतहत्तर, ग्यारह चौक चवालीस, चार को इधर लेंगे, सात को इधर लेंगे, तो चार एकम चार रेशो सात, सात एकम सात, तो चार रेशो सात हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा और यही हमारा जवाब है ऑप्शन बी चार रेशो सात। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन का हर सवाल सिखाया जाएगा और आपको बहुत ही जबरदस्त बना दिया जाएगा मैथ में।